समय बहुत कीमती है, हर समय काम के बारे में सोचो। मचाते मचाते हलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली। हाँ तेरे से बेटा वो नहीं पटने वाली, तो समय की खोटा कर राबे मवाली। घर वालों से खारे लगाली, इज्जत की माँ की आंख नाक में भी बाली। जेब में है नोट वो भी है जाली, क्या करे कोर्ट सुनवाई है जारी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर में जो लाइटनिंग इफेक्ट करते हैं ना वो कैसे करते हैं। ये बहुत ही सिंपल एडिटिंग है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते। एडिटिंग के लिए वीडियो को टाइमलाइन पे ले आना है काइन मास्टर के, फिर हमें इसको स्लो फास्ट कर देना है। यहाँ पर मेरा वीडियो ऑलरेडी स्लो मोशन में है, तो इसको मैं स्लो फास्ट में कन्वर्ट करूँगा। अगर आपको स्लो फास्ट करना नहीं आता वीडियो को, तो हमने ऑलरेडी एपिसोड बना के रखा है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा तो आप उसको भी देख सकते हो, क्योंकि हमने प्रोफेशनली बताया हुआ है कि वीडियो को स्लो फास्ट कैसे करना है। स्लो फास्ट हो जाने के बाद वीडियो में सॉन्ग डाल देना है और वीडियो को सेव कर देना है। फिर हमें उसी वीडियो को ले आना है काइन मास्टर के नए प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों अब हमें बुकमार्क लगाना है वीडियो के टाइमलाइन पे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को देख के प्ले कर देता हूँ, फिर यहाँ पे बीट्स के हिसाब से बुकमार्क लगा देता हूँ वीडियो के टाइमलाइन पे। तो आपको कोई ऐसा म्यूजिक सिलेक्ट करना है जिसमें बीट सेपरेटली और प्योरली सुनाई देती हो। तो यहाँ पे मैं बुकमार्क लगा देता हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे बीट सुनाई दे रही है। तो सब जगह बुकमार्क लगाने के बाद सिंपली आपको वीडियो को ले आना है फर्स्ट बुकमार्क पे, और यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पे कैप्चर एंड सेव लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और दोस्तों उस कैप्चर इमेज को हमें ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट में। तो दोस्तों ये पिक्सआर्ट मैं प्रीमियम वर्जन यूज़ करता हूँ, अगर आपको भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, जाके आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों पिक्सआर्ट में फोटो को ले आने के बाद ड्रॉ टूल में चले जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद यहाँ पे कोई भी एक ब्रश सिलेक्ट कर लेना है, और आपको कोई भी एक अच्छा सा कलर सिलेक्ट करके ड्रॉ कर लेना है कोई भी जगह पे। तो यहाँ पे मैं टी शर्ट पे पेंट करूँगा, ग्रीन कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ ताकि ग्रीन कलर रेडियम के जैसा कलर दिखेगा, तो बहुत ही अच्छी इफेक्ट आएगी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मैं अब यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ। जितना अच्छा आप पेंट करोगे उतनी अच्छी इफेक्ट आएगी वीडियो में। तो एकदम ध्यान से फोटो को पेंट कर देना, फोटो को सेव कर लेना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक इमेज पे क्लिक कर लेना है। फिर हमें वापस से काइन मास्टर में आ जाना है, और जहाँ पे आपने कैप्चर किया था इमेज वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे लेयर में जाके मीडिया में जाना है, और उस फोटो को ले आना है जहाँ पे हमने पिक्सआर्ट में एडिट किया था। तो उस फोटो को ले आना है यहाँ पे, फिर दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है और फुल स्क्रीन कर लेना है। अब हमें फोटो लेयर पे क्लिक करना है और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना है लाइटन। तो दोस्तों आपको सेम टू सेम सारे बुकमार्क का इमेज कैप्चर करके आपको पेंट कर देना है, और पेंट करके ले आना है वापस से काइन मास्टर में, और सेम प्रोसेस करके आपको लाइटन में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए गाइस मैं अब सभी इमेज को कैप्चर करके पेंट कर देता हूँ। तब तक यार आप एक लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सके तो कमेंट भी कर देना यार। तो गाइस चलिए हम वापस से एडिटिंग पे आ जाते हैं। अगर आपका म्यूजिक ज़्यादा बीट्स वाला है मेरी तरह, तो आप मिर्च मसाला भी डाल सकते हैं। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, और दोस्तों एक बैकग्राउंड ले लेना है वाइट कलर का। तो यहाँ पे मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा स्टेप फॉलो करते जाओ, आपका भी वीडियो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक वाइट लेयर ले आना है, फिर उसको डुप्लीकेट कर देना है, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हमें लगा देना है, तीन चार वाइट लेयर को लगा देना है। सो गाइस यहाँ पर खाली जगह थी, तो यहाँ पे मैं ब्लैक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। तो ब्लैक बैकग्राउंड को भी हमें डिस्टेंस में एडजस्ट कर देना है, फिर आपका वीडियो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो आपके सामने शो कर देता हूँ।